तीर्थराज प्रयागराज की धरा से सियासत का धुआं उठ रहा है। राम नाम की सियासत ने धर्म के धुरंधरों को भी राजनीति की छाया में खड़ा कर दिया। धर्म संसद बनाम धर्म संसद की जंग में राम मंदिर का मुद्दा गौण हो गया। 2019 की बिसात पर बुने जा रहे समीकरण, सवाल यही है कि जब सवाल राम मंदिर का है तो फिर सुर अलग अलग क्यों है, अलग अलग धर्म संसद क्यों आयोजित की गई, और अगर संत समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा तो फिर राम मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, या फिर धर्म संसद बनाम धर्म संसद की लड़ाई किसी सियासी रणनीति का हिस्सा है। सवाल बहुत सारे हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कुंभ नगरी में राम मंदिर के नाम पर तेरी धर्म संसद मेरी धर्म संसद तो चल ही रहा था, मगर आज बहिष्कार के बादल भी गरज उठे और सियासत बरस उठी। वीएचपी ने धर्म संसद का बिगुल बजाया तो गूंज राम मंदिर की कम और विवादों की ज्यादा गहरी हो गई। 13 अखाड़ों ने वीएचपी की धर्म संसद का बहिष्कार किया, इसे राम भक्तों का हित नहीं राजनीतिक बताया, कहा चोला संतों का है मगर असल में सब चुनावी। राम जन्मभूमि का जो मामला है सब हो गया राजनीतिक। हम लोगों की ये राय है कि अब राजनीति से दूर रहा जाए, तो विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयं संघ दोनों भाजपा के पूरक हैं, तो अब इनकी बैठक को जाके ये बताना कि हम भी उन्हीं के पूरक हैं तो ठीक नहीं है, इसलिए अब अलग संत महात्मा एक अलग रणनीति बनाएंगे। अब संत ही आपस में लड़ जाएंगे तो राम मंदिर कैसे बनाएंगे। हालांकि संत भी तर्कों के तीर चला रहे हैं कि क्यों वीएचपी की धर्म संसद से दूरी बनाई और कोसते कोसते वीएचपी से बीजेपी तक पहुंच गए। पहले कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, फिर चुनाव में इनको वोट मिल गए, लेकिन राम लला हम आएंगे मंदिर कहीं बनाएंगे, फिर उसके बाद कहने लगे राम लला हम आएंगे और मंदिर नहीं बनाएंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है। स्वरूपानंद को पता ही नहीं है कि शिलान्यास हो चुका है, शिलान्यास उसका किया जाता है जिसका शिलान्यास ना हुआ हो। राम जन्मभूमि का शिलान्यास तो उसी समय हो गया है जहां राम चबूतरा बना हुआ है और वहीं से मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। जो नारा कभी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बना था, जिस नारे ने उसे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, वही नारा नसे दुखा रहा है। खैर, आस्था पर सियासत ने खूब कुलाचे भरे हैं तो उससे साइड इफेक्ट भी तो झेलने पड़ेंगे। हालांकि बीजेपी संतों के साथ तो खड़ी है मगर असमंजस भी पड़ी है। संघ प्रमुख ने वीएचपी के कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज कराकर सरकार को खुला संदेश दिया है, जहां हिंदू और राम की चर्चा वहां संघ का समर्थन। तो एक नहीं अनेक बार ये सिद्ध हुआ है कि परिस्थिति का पूर्ण संज्ञान लेकर अगर हिंदू समाज खड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ने की और उसको परास्त करने की दुनिया में आज भी किसी की क्षमता नहीं है। धर्म संसद से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, इसके बाद मोहन भागवत धर्म संसद में शामिल हुए। कल धर्म संसद में राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा हुई। आज दो प्रस्ताव पास हुए हैं, एक शबरीमाला पर वहाँ के भक्तों को और वहाँ की मान्यताओं को संपूर्ण देश का समर्थन, और दूसरा हिंदू समाज को छोटे विषयों से तोड़ने की कोशिशों के विरोध में पूरा समाज संगठित जागृत हो। कल राम जन्मभूमि पे चर्चा होगी। आज राम मंदिर पर वीएचपी की धर्म संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, मगर माहौल बड़ा गर्मा गया। संत आपस में बंट गए, एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने लगे। ऐसे में सवाल ये है कि संतों में फूट क्यों, संतों को दो पार्टियों में किसने बांट दिया। साथ ही सवाल ये भी कि क्या वाकई धर्म संसद के नाम पर सियासी सत्संग हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये मुद्दा अब थोड़ा सा विचलित हो गया है, क्योंकि वीएचपी जो इस मुद्दे को शुरुआत से लेकर अब तक चली आ रही थी, संतों ने उससे ही दूरी बना ली है। संतों का कहना है कि बीजेपी और वीएचपी एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए संत अलग से बातचीत करेंगे और राम मंदिर के मुद्दे का हल निकालेंगे। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, नवीन श्रीवास्तव जुड़ गए, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ प्रेमकांत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं इकराम अंसारी, अध्यक्ष हैं मोमिन अंसार सभा के। हमारे साथ महेशानंद गिरी जुड़े हैं, महामंडलेश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के, और पंचानंद गिरी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में।
और पहला सवाल पंचानन गिरी आपसे ही, महाराज जी वीएचपी की धर्म संसद से दूरी बनाना क्या बताता है? क्या आपको विश्व हिंदू परिषद के साथ जाना मंजूर नहीं है? देखिए ऐसा है, 13 के 13 अखाड़ों ने इसलिए आविष्कार किया है कि बहुत टाइम से राम मंदिर का नाम लेकर राजनीति की जा रही थी और राजनीति करके हिंदुओं का शोषण किया जा रहा था। पहले 13 दिन की सरकार बनी, फिर 5 साल की भाजपाई की सरकार बनी, उस समय भी हजारों साधुओं ने अपना बलिदान दिया जब सरकार बनी। अब 5 साल हो गए मोदी जी की सरकार को, लेकिन राम मंदिर वही का वही है। ये सिर्फ इलेक्शन के समय में ये मुद्दे को लाते हैं, उसके बाद भगवान राम को भूल जाते हैं। ये सिर्फ राजनीति करते हैं। जब ये 3 तलाक पे बिल ला सकते हैं संसद में, तो राम मंदिर पे क्यों नहीं? जब रात को 2 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोली जा सकती है, तो 90 साल राम मंदिर को कोर्ट में क्यों लग रही है? क्योंकि ये लोग करना ही नहीं चाहते। इसलिए अखाड़ा परिषद ने बिल्कुल बायकॉट किया इनके धर्म संसद का। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि जितने धर्म संसद हो रहे हैं, क्योंकि सबकी मंजिल एक है, भगवान राम का मंदिर बनाना। इस समय कुंभ नगरी में हर जगह भगवान राम की क्या चर्चा मंजिल है। एक है और रास्ते अलग अलग है पंचानन गिरी जी, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। महाराज जी मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग अलग है। लोग राजनीति है, ये रास्ते नहीं, अपने विचार और सोच है रास्ते नहीं। रास्ता वही है राम मंदिर बनाना, लेकिन जब तक ये राजनीति लोग बीच में से नहीं हटेंगे, क्योंकि जब भी मंदिर बनेगा संत समाज मंदिर बनाएगा। ठीक है, बीजेपी दावा करती कि हम मंदिर बनाएंगे। नवीन श्रीवास्तव जी, योगी जी कई बार कह चुके हैं कि हम ही बनाएंगे मंदिर कुछ भी हो जाए, लेकिन संत कह रहे हैं हम बनाएंगे। आप सिर्फ राजनीति का मुद्दा उसे बना रहे हैं। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया। सर मैं नहीं कह रहा, पंचानन गिरी साहब कह रहे हैं, जिसने हमेशा पंचानन गिरी साहब का भी मैं जवाब दूंगा, बड़े संत हैं उनका भी मैं जवाब दूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, प्रभु श्री राम टाट से ठाट में पहुंचे, यह करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। और एक राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के पक्ष में थी, है और आगे भी रहेगी। रही बात कुछ हमारे संतों के नाराज होने की, कुछ संतों के नहीं जाने की, सिराने मैं तो सिर्फ इतना अपने परम पूज्य सारे संत समाज से आग्रह करूंगा, चरण उनका पकड़ कर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप सारे साधु संत जो लोग आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनको इस प्रकार का आशीर्वाद दें कि प्रभु उनको ऐसा बुद्धि विवेक दे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के रास्ते में जितने भी रोड अटकाए जा रहे हैं वो अटकाए जाए। नवीन जी एक प्रश्न है, आपने कहा कि सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि के साथ साथ आपको बहुमत भी दिया कि आप मंदिर बना दें, ऐसा संतों का कहना है। लेकिन अब संत कह रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, उसे सत्ता से भी बेदखल कर देंगे हम। देखिए हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि ईश्वर इन सारे हमारे जो संत समाज के श्रेष्ठतम संत लोग हैं, या अपने भक्तों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, या किसी भी दल के हों, जो लोग ले जाके अयोध्या में, जिन्होंने राम भक्तों के खून से अयोध्या की गलियां रंग दी थी, उनके भी वारिस को जो लोग संत लोग ले जाके संगम का स्नान करा रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वह उनको ऐसा आशीर्वाद दे कि ईश्वर सद्बुद्धि दे, ताकि वह उसके रास्ते में कोई रोड़ा ना अटकाए। मैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से भी आग्रह करूंगा कि वह अभी अपने भक्त समाज को इस प्रकार का आशीर्वाद दें कि वह किसी भी प्रकार से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनने के राह में कोई रोड़ा ना। कारण क्या है, हम सबका एक लक्ष्य है, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई राम भक्त हो, चाहे किसी दल का हो, और लोगों के तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं सर, कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, मंदिर तो है अलग अलग है, ये सुर क्यों अलग अलग है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद से जो संतों ने दूरी बनाई है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। महेश आनंद गिरी जी, बीजेपी कह रही है कि आप आशीर्वाद दें ताकि सद्बुद्धि मिले, लेकिन आपने तो दूरी बना ली है धर्म संसद से। ऐसा आशीर्वाद तो बहुत बड़ा दे रखा था, हाँ, लेकिन आशीर्वाद लेने के काबिल भी होने चाहिए। अब इन्होंने आशीर्वाद इतनी बार लिया, आशीर्वाद लेने के बाद ये हालात हैं। जब 3 तलाक पे बिल और मुद्दों पे बिल आया, तो राम मंदिर पे मोदी जी क्यों नहीं बिल लाए? लाते संसद में बिल, और सारे संतों का आशीर्वाद 2013 में सरकार बनाने के लिए मिला, सिर्फ 3 मुद्दों पे के, मां गंगा, गौ और मंदिर, 3 के 3 मुद्दे वही है।
तो कैसे आशीर्वाद मांग रहे हैं? ठीक है, किस मुंह से आशीर्वाद मांग रहे हैं ये? पंचानंद गिरी जी, मैं आपके पास आऊं, एक एक प्रतिक्रिया मैं महेशानंद गिरी से आपसे भी ले लेता हूं। मंडलेश्वर है वो, निरंजनी अखाड़े के। महेशानंद जी, बीजेपी आशीर्वाद मांग रही है आपसे, लेकिन आप तो सर 2 फीट की दूरी बनाकर चल रहे हैं। देखिए, अभी जो धर्म संसद हुई है, हाँ, अभी देखने में वो मेरे विचार से अलग अलग है, लेकिन जब धर्म की बात जोड़कर चलेंगे और मंदिर का निर्माण होगा तो ये सारे संत एक हो जाएंगे। हाँ, और मंदिर के निर्माण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का कदम है वो उचित रहा है अब तक, लेकिन किन्हीं कारणों, क्या देरी हो रही है, किन्हीं कारणों से मंदिर में रोक हो रही है, उसके लिए संत समाज अपनी अपनी भाषा में उनका विरोध नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें बता रहा है कि अभी आप मंदिर का निर्माण करें और साथ होने की जब बात है तो आशीर्वाद तो संत सभी को देते हैं, जो पात्र होगा उसको आशीर्वाद मिल जाएगा। ठीक है, आपका कहना है कि बीजेपी ठीक तरह से कदम उठा रही है, फिर आप धर्म संसद में क्यों नहीं गए? नहीं, धर्म संसद में काफी संत गए थे, 13 अखाड़े में से बहुत संत गए। 13 अखाड़ों ने बीएचपी की धर्म संसद, का बहिष्कार किया। दोनों संसदों में काफी, महेशानंद जी, बहिष्कार किया है? नहीं, बीएचपी में भी गए लोग, बीएचपी में भी लोग गए हैं और वहाँ भी गए हैं, शंकराचार्य जी के यहाँ भी गए हैं लोग, ऐसा नहीं। तो फिर आपकी दूरी क्या बताती है? अगर वो लोग जा रहे हैं फिर आप नहीं जा रहे हैं महाराज जी? नहीं, मतलब हम भी गए थे ना वहाँ, आप भी गए थे, फिर जो मेरे पास है, और हमने यही बात कही थी वहाँ पर। अभी अभी मंदिर के, अभी देखिए, अभी मंदिर के निर्माण की बात बीएचपी में नहीं हुई है, वहाँ ये हुआ था, ये तय किया कि भाई सबरीमाला मंदिर की बात कही गई थी, और दूसरी बात ये कही गई थी कि सनातन धर्म को इकट्ठा किया जाए, हाँ, और हम सब मिलकर जितने सनातन धर्म के लोग हैं मंदिर का निर्माण करें, व्यक्ति विशेष अकेला कोई ना करे, हाँ, ये कहा गया। तो आप क्या आगे अब धर्म संसद में हिस्सा लेंगे? मैं आपके निरंजनी अखाड़े की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं लेंगे? जब जहाँ धर्म की बात होगी तो मैं जाऊंगा, हमारे अखाड़े में तो आप जाएंगे, उन्होंने, लेकिन महेशानंद गिरी जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपसे सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आज का जो आंकड़ा है, आज की जो धर्म संसद बताती है, 13 अखाड़े जो हैं उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद से दूरी बनाई। अब इसके क्या कारण है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। इकराम अंसारी को मैं चर्चा में शामिल करता हूँ, क्योंकि इकराम अंसारी जी, दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो स्थितियां एक जैसी हैं, लेकिन जहां धर्म संसद हो रही है, राम मंदिर बनाने की मांग उठ रही है, मुस्लिम पक्षकार कहां पर हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या ये सही कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर आपको सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार है? बाबरी मस्जिद की जो जगह है उसके सामने ही उनका घर है, उन्होंने उसकी छत पे खड़े होकर हमें दिखाया था, देखो ये 62 बीघा का अखाड़ा है और इसको कांग्रेस ने सजाया है, और वक्त वक्त पे जो है राजनीतिक महारथी यहाँ पहलवान आते हैं और यहाँ जंग करते रहते हैं, और ये कांग्रेस ने अखाड़ा सजाया हुआ है, और वही अखाड़ा जब तक ये रहेगा और तब तक के तो राजनीतिक महारथी आते रहेंगे और उसमें जंग करते रहेंगे। अब जहाँ तक के राम मंदिर बनने की बात है, उनको कहा जाता है कि रामलला टेंट में हैं, उनको जो है छत मिल जाए। अब रामलला भगवान हैं, वो छत देने वाले हैं, लोगों को महल में पहुँचाने वाले हैं, उनको हम आप दे सकते हैं क्या? अब वो रामलला मंदिर तभी बनेगा जब रामलला चाहेंगे। रामलला कतई नहीं चाहते हैं कि जगह जबरदस्ती छीनी गई है और झूठ बोलकर और लोगों को दबा कर हत्या कर देश मानव को आपस में लड़ाते एक दूसरे को लड़ाकर, तो अब राम नहीं चाहते कि मंदिर बने। जब तक के जो है ये चलता रहेगा, रामलला जब चाहेंगे तभी मंदिर बनेगा, हमारे यहाँ पे चाहने से नहीं बन सकता। लेकिन इकराम अंसारी जी, आप कह रहे हैं कि खून खराबा नहीं होना चाहिए, वो तो सभी कहते हैं, फिर सहमति तो बनती नहीं है, इसका क्या कारण है? सहमति कैसे बनेगी जब एक हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको एक संविधान से बना हुआ है, और इसका कोई धर्म नहीं है देश का, हमारे संविधान का कोई धर्म नहीं है, और वो धर्म, वो संविधान हमें हर नागरिक को, हमारे जो नागरिक है वो आस्तिक है, नास्तिक नहीं है,
हर नागरिक किसी किसी ना किसी आस्था से जुड़ा हुआ है, और हमारा संविधान हर नागरिक को उसकी आस्था के चलने को प्रचारित प्रसारित करने का अधिकार देता है। और मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, वही के रास्ते सब कुछ चल रहा है। जब इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सर मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हो सके तो इस मुद्दे को बाहर सुलझाया जाए, लेकिन तमाम कोशिशें हुई, सारी की सारी धरी की धरी रह गई सर, फेल हो गई सारी। जी वो हो गया, लेकिन और जो है हम मोमिन अंसार सभा ने, हाशिम अंसारी साहब ने, उनके बेटे ने हमें जाएगा, अगर होगी तो हम उस पर जो है कहेंगे, जो बातचीत से तय होता है तय कह सकता है, लेकिन विपक्ष जो है पहले जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया, विपक्ष पहले सुप्रीम कोर्ट चला गया, उसने उसको तो राजनीति का अखाड़ा बनाना है। अब यही तो सवाल है कि राजनीति का अखाड़ा बना कौन रहा है, जब सब कुछ पेंशन देने की बात कर दी जाती है। वही मैं कह रहा हूं, जब सभी तैयार हैं, सब कुछ हो चुका है, तो फिर ये दिक्कतें कहां रही हैं? और धर्म संसद से दूरी क्या बताती है? डॉक्टर आशुतोष समाजवादी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, आऊंगा इकराम अंसारी आपके पास वापस लौटूंगा। एक प्रतिक्रिया डॉक्टर आशुतोष आपसे, धर्म संसद से दूरी 13 अखाड़ों की क्या बताती है? क्या वाकई सियासी सत्संग हो रहा है प्रयागराज में? देखिए मैं एक बात बता दूं कि जब कोई भी मामला इस लोकतांत्रिक देश में न्यायालय के अंदर है, तो मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय के ऊपर कम से कम हम राजनीतिक पार्टियों को उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा दूरी रखाए रखनी चाहिए। रही बात संतों की, देखिए संतों का अपना अपना धड़ है, अपने अपने तरीके हैं, अपने तरीके से बात कहने की स्वच्छता है, लोकतांत्रिक देश है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब प्रक्रिया शुरू हो गई है उच्च न्यायालय में, जजों की नियुक्ति हो गई है, तो इतनी ज्यादा जल्दबाजी किस बात की है? इस लोकतांत्रिक देश में 130 करोड़ चल रहा है ये मसला, तो नहीं तो उसको सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय है ना। अगर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसको बाहरी सुलझा लिया जाए और नहीं सुलझ पाया है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी आस्था के साथ, किसी न किसी के साथ आपको आना पड़ेगा। और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखते हुए, सामाजिक सौहार्द को कायम रखते हुए, अगर उच्चतम न्यायालय की बात नहीं मानेंगे तो फिर आप कहीं नहीं रह सकते, ये देश नहीं चल पाएगा। तो मैं अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार बोलता हूं कि हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का फैसला सर्वोच्च मानेंगे और जहां जैसा कहेगा उसके हिसाब से हम लोग अपनी बातें रखें। ठीक है, मैं आपके पास फिर लौटू प्रेमकांत तिवारी जी, आपके पास आऊंगा एक छोटी सी प्रतिक्रिया। नवीन श्रीवास्तव जी, आशुतोष जी कह रहे हैं कम से कम राजनीतिक पार्टियों को तो हट जाना चाहिए, संतों की मांग है, उच्चतम न्यायालय सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट में केस है वो सुनेंगे। नहीं आशुतोष जी, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन आप एक बात बताइए, आखिर एक राजनीतिक दल के बड़े नेता ने सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को क्यों कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव तक इस मसले को टाल दिया जाए? न्यायालय में चल रहा था, न्यायालय जब उचित समझती वो सुनती, उसका फैसला देती। लेकिन जब ये शब्द कहा गया कि 19 के चुनाव तक टाल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे निश्चित रूप से राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, यह उसके लिए आस्था का विषय है, लेकिन देश में कुछ राजनीतिक दलों के लिए अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने में जितनी देरी हो, ताकि एक वर्ग विशेष को वोट बैंक की राजनीति के तहत यह समझाने में सफल रहे कि अयोध्या में हमारे वजह से राम मंदिर नहीं बन पा रहा है, अभी भी बाबर के नाम का कोई स्मारक बनने की गुंजाइश बची हुई है, यह जड़ है। दिक्कत यहाँ पे है, भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए हमारे सहयोगी भी हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार 4.5 साल ले, आपने क्या किया? कुछ किया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, संविधान को मानने वाले लोग, हम इस उसमें थे, संविधान जब सारी बाधाओं के बावजूद संविधान को मानना चाहते हो, आप धर्म संसद से क्यों नहीं दूरी बनाते? आप कहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, जल्द ही देगा। नहीं अरे माननीय प्रधान सुन लिया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बयान दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने, तो आप किसके बयान की उम्मीद रखते हैं? सर मैं बयान की उम्मीद नहीं रखता, आपको बताना चाहूं, मैं बयान की उम्मीद नहीं रखता नवीन श्रीवास्तव जी, जी। या आम जनता और सब कुछ जानते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं ये मुद्दा एकदम उछाल पकड़ता है, इसका कारण क्या है? मैं उसका कारण बता रहा हूँ। हाँ डॉक्टर आशुतोष, आपके पास जब सारी बाधाओं के बाद यह फैसला दिया, जी सारे सर्वोच्च न्यायालय ने जब सारी बाधाओं के बाद जब यह फैसला लिया कि 29 अक्टूबर से हम डे बाय डे हेयरिंग शुरू सुनेंगे, और 29 अक्टूबर को मात्र 30 सेकेंड में इसको अर्जेंट न मानते हुए टाल दिया गया, तो कहीं ना कहीं देश के करोड़ों राम भक्तों को
कहीं ना कहीं से ठेस पहुंची, क्योंकि उनको यह विश्वास था कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार से सबरीमाला में जल्लीकट्टू में आतंकवादियों की फांसी रोकने में आधी रात को खुलता रहा है तो करोड़ों लोगों की आस्था के विषय को तो सुनेगा तत्काल नहीं देगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं बड़े अच्छे तरीके से बोलना चाहता हूँ कि जब आपके प्रधानमंत्री जी ने कोई वक्तव्य दे दिया है तो क्या आपकी पार्टी आपके प्रधानमंत्री के वक्तव्य का भी कोई मतलब नहीं समझती है? फिर आप लोग क्यों इसकी राजनीतिकरण करते हैं? जब उच्चतम न्यायालय कह रही है कि हम फैसला करने के लिए तैयार हैं, सारी उसके जो आप तो उसके पार्टी भी नहीं है, फिर आप ऐसी बातें चुनाव के आते समय क्यों करते हैं? ठीक है, यही तो परेशानी है हिंदुस्तान की जो जनता है। मुझे एक मिनट पूरा करने दीजिए। चुनाव आयोग ने बताया है कि अभी भी इस समय कम से कम 30% जो नए वोटर हैं वो नए हैं, 18 साल के आए हैं। उनको मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति को करने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे अगर इस तरीके से काम करेंगे। आप उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, आप नौकरी की बात कीजिए, आप गरीबों की बात कीजिए। ये चुनाव आते ही 5 साल तक आप नहीं जाते हो, 5 साल के बाद एकदम से क्यों याद आ जाती है आपको? जिनके साथ आपका गठबंधन है वो भी जाति की राजनीति करते हैं। डॉक्टर आशुतोष, आपके पास मैं फिर लौटूंगा, धर्म की बात कर रहा हूं और इस बात की बार बार हिमायत करता हूं। आशुतोष जी एक सेकंड बस प्रतिक्रिया ले लूं, ब्रेक के बाद फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे। प्रेमकांत तिवारी जी एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे हम लोग। क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है? ये आज साबित हो गया। बात तो देखिए बिल्कुल सही है कि राम मंदिर को लेकर के राजनीति तो इस समय 2019 का चुनाव सामने है, बिल्कुल कुछ समय से शेष रह गया है। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने जो 2019 के चुनाव से पहले उस मुद्दे को न सुनने की जो अपील की थी, कहीं ना कहीं ये तो बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय उपचुनाव और 3 राज्यों में जो इस समय रिजल्ट्स आए हैं उसको देखते हुए वो भी दबाव में है और वो भी एक अपनी जो भी राजनीतिक दल है वो राजनीति ही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड तो एक रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस में डिले हुआ है कोर्ट की वजह से, ये वास्तव में 29 अक्टूबर को जिस तरह के जो फैसला आया कि जनवरी के लिए टला, तो ये कांग्रेस के लिए खुश होने वाली बात थी। अब चाहे सपा हो या कांग्रेस हो या कोई और भी पार्टी हो, उसको टलने से इनको ये बात जरूर है कि इनकी इच्छा ये है कि बीजेपी को इसको जरा सा भी राजनीतिक एडवांटेज ना मिले, कोई फायदा ना मिले। अब भारतीय जनता पार्टी जरूर ये चाहती है कि किसी तरीके से संतों के साथ मिल करके ये बात आ जाए। दूसरी तरफ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि जो निर्विवादित जमीन है उस पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए, उस पर कोई विवाद नहीं है। वक्त एक ब्रेक का हो गया प्रेमकांत तिवारी जी, वापस आपके पास लौटूंगा। ब्रेक के बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ महामंडलेश्वर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब मंजिल एक है फिर रास्ते अलग अलग क्यों हैं? और रास्ते भी एक होने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन दावों में कितनी सच्चाई है? चर्चा इस बात की चल रही है, जब वीएचपी की धर्म सभा हुई, धर्म संसद हुई, तो फिर संतों ने दूरी क्यों बना ली है? क्योंकि जब राम मंदिर ही मुद्दा सभी का एक है, फिर रास्ते अलग अलग क्यों हैं? और रास्ते भी अगर एक होने के दावे किए जा रहे हैं तो इन दावों में कितनी सच्चाई है? सीधे मेहमानों का रुख करेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और पहला सवाल महेश आनंद गिरी महाराज आपसे, आपने चर्चा के पहले हाफ में कहा था कि हम बीजेपी के साथ हैं और अखाड़ों ने दूरी नहीं बनाई है, तो क्या कल आप शामिल होंगे धर्म संसद में? देखिए अभी जो आज धर्म संसद हुई है वो मंदिर का मुद्दा नहीं था, वहां बिल्कुल ठीक था, सबरीमाला का मंदिर था और सनातन धर्म को कैसे एकत्र किया जाए, ये जो हम लोग जातिवाद में बढ़ गए इन्हें कैसे इकट्ठा किया जाए, ये मुद्दा था उसमें। अब रही मंदिर की बात, मंदिर तो संत ही बनाएंगे, मंदिर योगी जी बनाएंगे और मंदिर मोदी जी बनाएंगे। आज तक ये और पार्टियां इन्होंने तो मंदिर का नाम ही नहीं लिया है, केवल नाम तो बीजेपी ही लेती है, बाकी कोई पार्टी लेती नहीं है। कांग्रेस का भी काफी समय कार्यकाल रहा, बसपा का कार्यकाल रहा, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा, किसी का कार्यकाल रहा ही नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कल आप धर्म संसद में शामिल होंगे कि नहीं? धर्म संसद में हाँ शामिल होंगे, क्यों नहीं होंगे सर? पंचानंद गिरी जी आप होंगे धर्म संसद और ये में दोनों शामिल? जो धर्म संसद है आखिर में दोनों एक ही, बिल्कुल सब एक ही हैं सर, लेकिन आज शामिल नहीं हुए इसके सवाल खड़े चल रही है दोनों। नहीं धर्म संसद में शामिल होंगे, क्यों नहीं होंगे? पंचानंद जहां गिरी धर्म जी की गाथा है वहां जाना चाहिए। कल आप जाने वाले धर्म संसद में? हाँ जी
देखिए ऐसा है, अखाड़ों ने बायकॉट किया है लेकिन किसी संत पे कोई प्रतिनिधि नहीं लगाया। अगर वो अपनी मर्जी से जाना चाहता है चला जाए, अखाड़ों का बायकॉट है, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्योंकि एक बात बड़ी स्पष्ट है कि देखिए मोदी जी पूरा विश्व घूम चुके लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार भी अयोध्या नहीं गए रामलला के मंदिर के लिए, एक बार भी। और आज हमें बात उनकी याद आती है, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि द्वालिया नहीं सचिवालय, सचिवालय तो जरूरी है लेकिन द्वालिया को भी महत्व देना चाहिए। जिस मंदिर के नाम पर सरकार बनी वहां आप गए भी नहीं, तो आपसे हम क्या उम्मीद रखें? जब आप अपने संसद में इतने बिल ले आए और राम मंदिर का बिल लाना था, क्यों नहीं लेके आए? ये सवाल आज हमें पीड़ा दे रहा है। पंचानंद गिरी आपके बगल में बैठे हुए महेश्वरन जी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार काम कर रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं कर रही है, ये संत दो फाड़ क्यों हो रहे हैं? हम तो आपके सामने, हम तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आपके सामने। आप बताएं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी अयोध्या गए या उन्होंने ये शब्द नहीं कहा माँ गंगा के लिए? मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा सर, मैं आपकी बात मान भी रहा हूँ महाराज जी, लेकिन महेश्वरन गिरी जी कह रहे हैं हम तो साथ है बीजेपी के, आप कह रहे हैं बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। अभी हाल ही में महेश्वरन गिरी ने कहा कि मंदिर तो मोदी जी और योगी जी बनाएंगे, ये दो फाड़ कैसे, दो अलग अलग बातें कैसे? मैं कह रहा हूँ ऐसा है ना, पर्सनल सोच है अपनी उनकी। हाँ, वो जो कह रहे हैं वो अखाड़ों की ओर से नहीं कह रहे, अखाड़ों का अपना बायकॉट है। ये कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ ऐसा, हमसे हमारे माननीय नरेंद्र गिरी जी महाराज ने ये नहीं कहा कि आप धर्म संसद में ना जाएं, क्योंकि धर्म के लोग हैं हम लोग, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। हाँ, और आचार्य लोग हैं तो हम तो धर्म की बात ही करेंगे। बिल्कुल महेश्वरन जी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप अखाड़े से भी जुड़े हुए हैं, जिससे अखाड़े से जुड़े हुए हैं आप, अखाड़े जुड़े हुए हैं। तो अभी अखाड़े में अभी अभी हमारे सारे अखाड़े के लोग वहाँ गए थे। हाँ, मैं क्या नाम, जूना पीठाधीश्वर भी थे, आनंद पीठाधीश्वर भी थे और बहुत लोग थे वहाँ पर। फिर अखाड़ों का बहिष्कार क्या कहलाता है? अखाड़े में बहुत लोग थे, तो मैं समझना भी चाह रहा हूँ और जनता को समझाना भी चाह रहा हूँ। अखाड़े का बहिष्कार नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आपका ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, अखाड़े का बहिष्कार करना आपकी खुद की सोच है ये, लेकिन फिर अखाड़ों का ना जाना किस बात को बताता है? अखाड़े जा नहीं रहे, संत जा रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? नहीं, अखाड़े का बहिष्कार नहीं है ये, अखाड़ों ने तो जो आदेश किया है उसमें ये भी कहा है कि जो जाना चाहे चला जाए। तो मैं तो अपने व्यक्तिगत विशेष में गया था, मैं और मेरे साथ में आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकनंद जी भी गए थे और बहुत संत गए थे। तो संत जा सकते हैं लेकिन अखाड़े नहीं जाएंगे, इसे अखाड़े का बहिष्कार नहीं करेगा। हम तो अखाड़े के साथ ही जुड़े हुए हैं, अखाड़े के साथ जुड़े हुए हैं, अखाड़े के ही दिशा निर्देश पे रहते हैं। ये बड़ा पेचीदा हो गया है और मुझे लगता है सारे मेहमान यही सोच रहे होंगे जो हमारे साथ इस समय चर्चा में हैं कि जब अखाड़े नहीं जा सकते तो फिर संत कैसे जा सकते हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, प्रेमकांत तिवारी जी आपके पास आता हूँ, उसके बाद नवीन जी आपके पास आऊंगा। बहुत बहुत आप कंप्लीट करें, वहाँ बहुत लोग थे, मैं ही नहीं, बहुत लोग थे वहाँ पर। हाँ, प्रेमकांत तिवारी जी लोग थे, स्वामी परमानंद जी थे, स्वरूपानंद, बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हैं कि तमाम संत वहां पर गए थे लेकिन अखाड़ों ने बहिष्कार कर दिया है, लेकिन जो संत वहां पर पहुंचे थे वो अखाड़ों का ही हिस्सा है, लेकिन कहना है कि महामंडलेश्वर जो तमाम लोग हैं वो जा सकते हैं, अखाड़ा नहीं जा सकता, बहुत पेचीदा है। प्रेमकांत तिवारी जी आपके पास मैं आ रहा हूं, क्या ये जो बातें संत कह रहे हैं, जो संत महात्मा कह रहे हैं, वो ये बताती हैं कि अभी भी असमंजस की स्थिति है, जाए कि नहीं जाए? मैं इसमें दूसरी चीज देख रहा हूं। जी जी बिल्कुल, आप बताएं मुझे। एक तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। और ये जो संत लोग होते हैं ये बहुत थोड़ी ही श्रद्धा और आस्था से प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर भी एक संकेत है, ये स्वामी पंचानंद गिरी जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार भी अयोध्या नहीं आए मोदी, ये एक तरीके से संकेत की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब मोदी के लिए ये आदेश जा रहा है कि उनको आना चाहिए और उनके प्रयास में और गंभीरता दिखनी चाहिए। और इसी प्रकार देखिए स्वामी महेशानंद जी जो कह रहे हैं उसमें भी एक बात यह है कि अखाड़े तो बहिष्कार कर रहे हैं लेकिन अखाड़े के सभी सदस्य, सभी संत इस बात के लिए मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं और अपनी उनकी अपनी पसंद है
कि वो अगर जाना चाहते हैं तो वो जाएं। अब बात एक ही आती है कि जब देखिए एक बहुत बड़ा कारण और एक बहुत बड़ा उद्देश्य जब उसके लिए लोग एकत्रित होने लगते हैं, तो जिस तरह से छोटे मोटे दीवार और छोटे मोटे निर्माण जब एक सैलाब आता है तो सब एक साथ प्रवाह में आ जाते हैं, न जाने कितनी अलग अलग धाराएं सब एक धारा में मिल जाती हैं। ये मुझको कुल मिलाकर के इन दोनों संतों की बातों से एक यही आशय मिल रहा है कि ये सब लोग हैं उसी फेवर में, लेकिन ये चाहते हैं कि प्रयास गंभीर हो। और प्रयासों की गंभीरता की बात जहां तक है, तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा एक विश्लेषक के तौर पर कि इस समय 2019 का जो इलेक्शन सामने है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस मामले को अब कोई इसमें ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी। ढिलाई नहीं बरतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेमकांत तिवारी जी एक और सवाल किया, वो मैं आशुतोष जी से जानता हूं। उनका कहना है कि कम से कम बीजेपी बात तो कर रही है, कह तो रही है, आप तो कह भी नहीं रहे। नहीं देखिए, हम बहुत स्पष्ट बात है, आपसे बोल चुके हैं। वहां पर तो एक मसला ये आ जाता है कि वो आपने मुझसे सवाल पूछा है? मैं आ रहा हूं प्रेमकांत तिवारी जी, बिल्कुल आशुतोष जी आपसे सवाल है मेरा। मैं बहुत ही स्पष्ट इस बात को कर दूं कि समाजवादी पार्टी का रुख समाज को उत्थान के लिए होता है, और हम लोकतंत्र को चलाने वाले, लोकतंत्र की आस्था रखने वाले जमीन के लोग हैं। मैं कहता हूं क्या मेरे लिए मुद्दे वो बहुत बड़े हैं कि इस हिंदुस्तान में हमको अनाज देने वाला किसान, क्यों किसानों की मौत 5,000 के ऊपर पहुंच गई है, इस पे एक बार ही बात कर लेंगे? एक बार इस पे भी बात कर ले, हमारे नौजवान सड़क पे घूम रहे हैं इस पे भी बात कर ले, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है इस पे भी बात कर ले, कि सारी सियासत जो है मंदिर बनाने में ही चली जा रही है, और वो भी 4.5 साल नहीं, सिर्फ 2 महीने के अंदर। मैं यही कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जो है अपने हिसाब से और अपने सुविधाजनक जो राजनीति करती है इसका कड़ा विरोध करता हूं। अगर संत बैठे हैं, उच्च न्यायालय बैठा है, का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने किस मुद्दे पर लड़ा था? कौन सा 2017 का? हमने काम पे लड़ा था, हमने काम पे लड़ा था, और हम बहुत गर्व से कहते हैं हमारा काम बोलता है और काम बोलेगा। काम बोलता है, बिल्कुल बोलता है। जनता ने आपको नकार दिया? नहीं, काम बोलता है। अगर हम अपनी चीजें वहां पे नहीं रख पाए तो उसमें देखिए, लेकिन हमने कभी धर्म पे तो नहीं लड़ा ना, मैंने तो नहीं कहा कि मेरी बात सुनिए। देखिए देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होता है, एक कैंडिडेट हारता है। नहीं नहीं, हारने का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि आप गलत हैं। मतलब पूछ ही नहीं रहा सर, आपको मैंडेट दिया कि नहीं दिया? आपको मैंडेट नहीं मिला? हमको नहीं मिला मैंडेट। उसके बाद आपने बहुजन समाज पार्टी से सभा चुनाव किया कि नहीं किया? बिल्कुल। बीएसपी की राजनीति किस पर है सर, आप मुझे बताइए। बीएसपी की राती सर्वजन हिताय पे है। सर्वजन हिताय पर बिल्कुल है। कहां आप समाज पार्टी क्या जाति की राजनीति नहीं करती? कहां से करती बताइए, आप मुझे बताइए किस जगह से करते हैं? मैं बताता हूं आपको, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो भी, देखिए मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बहन मायावती जी ने अम्बेडकर जी के आगे को जिस तरीके से बढ़ाया है, उनके महासचिव जो है मिश्रा जी जो इस जगह पार्टी को लेके चल रहे हैं, आप देखिए, आप इस तरीके से नकार नहीं सकते हैं। वहाँ पे बहुताए तरीके से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जाट हो, चाहे हर तरीके से। अगली प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आशुतोष, जितनी भी पार्टियां हैं हिंदुस्तान में जो समाज के उत्थान के लिए लगी हैं, वो समाज की उत्थान की बातें करें और लोगों को, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो चीजें हमारे समाज को बांटती हैं उसमें अगर एकमत नहीं है तो कम से कम उच्च न्यायालय का आप सम्मान कीजिए, इंतजार कीजिए। उच्च न्यायालय कह रहे हैं हम समय देंगे, फिर आप इस समय चुनाव के समय ये क्यों बड़बड़ा रहे हैं? और गलत नहीं कह रहे हैं स्वामी जी, जो मोदी जी अपने शुरुआत में 2014 में मंदिर के पीछे चिल्ला रहे थे, ये एक बार नहीं गए अयोध्या में, और आज जब 60 दिन रह गए आम चुनाव के लिए तो सबको याद आ रही है भगवान राम की, अभी तक क्यों नहीं याद आई इनको? नवीन जी 4.5 साल हो गए और अब 5 साल हो गए आपका है, आपके प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं पहुंचे, ये नाराजगी है समाजवादी पार्टी की भी और संतों की भी है। समाजवादी पार्टी की नाराजगी नहीं, लेकिन साधु संत अगर नाराज है तो ये हमारे लिए विषय है चिंता का, और निश्चित रूप से उनकी नाराजगी दूर करने के हम प्रयास करेंगे। अभी मैं समाजवादी पार्टी के मित्र की बात सुन रहा था, हमने विकास किया है, निश्चित रूप से आपने किया होगा। 2012 में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और 2014 के जब लोकसभा चुनाव आए तो उसमें आपका रिपोर्ट कार्ड 5 नंबर पे आ गया, 80 में 5। 2017 का जब चुनाव हुआ तो आपके 3 साल के विकास की पोल खुल गई, जब रिपोर्ट कार्ड आया कि 403 में
47 तो आपका विकास जनता की अदालत में और जनता ने जांच दिया है, उसके विषय में चर्चा मत करिए। आपने नवीन जी, मैं भी बताऊंगा इसमें, बताइए बताइए नवीन जी, ये वो पार्टी बोल रही है जिसके दो सांसद होते हैं, और आप अगर लोकतंत्र की पढ़ाई नहीं पढ़ पाए हैं तो आप इस बात को समझिए कि चुनाव हारने का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि आप गलत व्यक्ति हैं। ये हो सकता है कि आप डिबेट मत करिए, लोगों आप बोल रहे तो मैंने एक बार नहीं बोला, आप हल्ला बोल वाली आदत छोड़ दीजिए, अगर आप हल्ला बोल वाली आदत छोड़ दीजिए इन वोटों से तो बाकी जो ये तरीका नहीं है बात करने का, ये सवाल है, ये तरीका नहीं है। मैं आ रहा हूं आप डिबेट की गरिमा को मत गिराइए, आपकी गरिमा नहीं होगी, आप अपनी गरिमा अपने साथ रखिए, केंद्र में नहीं है, चैनल की डिबेट की गरिमा रखिए, आप एक भी उपचुनाव नहीं जीते, आप एक भी लोकसभा की सीट पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं जीते, आपने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, आपके उपमंत्री मैं अंकल महोदय दो घटनाएं बताना चाहता हूं, जात को धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए, सरकार में उत्तर प्रदेश में दो पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई, किसका राज्य है, भाग्य से एक मुसलमान था हिंदू का, स्वामी योगी नाथ का, मुस्लिम अधिकारी के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के दो सदस्यों को नौकरी और हिंदू अधिकारी के परिवार को 20 लाख मुआवजा और एक नौकरी, इसलिए इनके सरकार में साधु महात्मा हमारे साथ बैठे हुए हैं, कम से कम राम गोपाल कम से कम एक एक करके बोलिए सर, सभी लोग सुन रहे हैं, और भी मेहमान है मेरे पास, ठीक है नवीन जी आप कंप्लीट करें, समाजवादी पार्टी कह रही है चुनाव हारने का मतलब ये नहीं कि हमने कोई काम नहीं किया, नाम तो आप भी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में और फिर बात राजस्थान में मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। देखिए आज हम जिस बात पर चर्चा करने बैठे हैं कि अयोध्या में जो प्रयाग कुंभ में अयोध्या को लेकर जो परम धर्म संसद या दो धर्म संसद हो रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक बात पर तो सभी लोग एकमत हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो मंदिर जहां भगवान अभी टाट में है वहां से टाट में एक भव्य मंदिर बने, इसके लिए सब लोग चाहे धर्म संसद में कोई गया हो या न गया हो सबकी सबकी एक आस्था है कि प्रभु राम का मंदिर बने। और मैं आपको एक बात बता सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि 1990 में जो राम जन्मभूमि आंदोलन चला था माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में, उसके सारथी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नियत तो शंका पे किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, जिस प्रकार से गिरे हुए महाशक्ति बनाने के लिए उन्होंने नोटबंदी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की, बुरी हालत सामरिक सामरिक महाशक्ति बनाने के लिए जिस प्रकार से पाकिस्तान ने खुद को सर्जिकल स्ट्राइक की, अयोध्या में भी देश की सांस्कृतिक एकता और समरसता को बनाए रखने के लिए आप निश्चिंत रहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सरकार कठोर से कठोर कड़ा से कड़ा निर्णय लेगी, संविधान शपथ लेगी। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो अध्यादेश की बात होती है अध्यादेश भी कानून के अंतर्गत होता है, कानून से बाहर नहीं होता है, ठीक है, आखिरी में मंदिर की बात करने ठीक है, नवीन से बात करते हैं, मंदिर के बाद आप और आगे मगर चुनाव आ रहे हैं, भूलिएगा मत, लेकिन ये तो हल्ला बोल रहे हैं, नवीन जी आप भी छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही चुनाव हारना विकास का पैमाना तय नहीं करता है। मैं इकराम अंसारी आपके पास आ रहा हूँ, आपको क्या सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि धर्म संसद से कोई हल निकलेगा या फिर कोर्ट के फैसले का वेट करना, समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता का डिबेट में बोलेगा तो बोलने नहीं दूंगा मैं, सर सर मैं ऐसे डिबेट कराता हूं, सर मैं बराबर मौका दे रहा हूं, नवीन जी आपको मौका दूंगा, आशुतोष जी चुपचाप बैठे हुए हैं, इकराम अंसारी साहब बोल रहे हैं, आपके पास फिर आऊंगा, जब तक ये बोलते रहे मैं चुप रहा, मैं बोलना शुरू किया तो इनका रिकॉर्ड शुरू हो गया, नहीं नहीं किसी का शुरू नहीं होगा सर, आराम से बोलेंगे तो मैं थोड़ी सुनने दूंगा, आप दोनों से निवेदन है सर थोड़ा सा शिष्टाचार सभी लोग देखें, तो आप बोल के दिखाइए ना जरा, सर लड़िए मत दिखाइए पर्सनल थोड़ा सा ना जाए आप, इकराम अंसारी जी नहीं पर्सनल तो नहीं, कोई तरीका होता है क्या, इतने बड़े चैनल पे इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, बड़े बड़े मैं सभी सभी मेहमानों को एक बार फिर बता रहा हूं, एक मिनट नवीन जी, एक मिनट कई मर्तबा होता है सर टोकाटाकी होती है बीच में लेकिन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आप दोनों को मैं वापस नहीं नहीं सर कड़वा और मीठा सबको लगता है उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आप दोनों से कह रहा हूँ कि सबको समय दूंगा बराबर समय दूंगा, इकराम अंसारी बोल रहे उसके बाद फिर आप लोगों के पास लौटूंगा, इकराम अंसारी जी इकराम अंसारी जी सुन पा रहे हैं आप, तरीका बना लिया सब सपा वाले हर डिबेट जी, फिर से सवाल को दोहरा दें, आवाज नहीं आ रही, धर्म संसद से कोई हल निकलना चाहिए या फिर संतों से भी आग्रह है आपका कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। देखिए देखिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं राजनीतिक लोग हैं और जितने भी
राजनीति को समझते हैं, संविधान को समझते हैं, समस्याओं को समझते हैं, उनको पता है ये हल जो है सुप्रीम कोर्ट से होगा और सुप्रीम कोर्ट से भी होना ही भी चाहिए। आज जिस परिस्थितियों में हम आ चुके हैं, हमारा देश आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही इसमें करना चाहिए। लेकिन अब राजनीति का माहौल है तो राजनीतिकों को तो अखाड़ा जो है बनाया, सन 47 के अखाड़े में है, तो उनको तो अपने दो चार हाथ करने ही है, वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। और जहाँ तक हमारे माननीय सम्मानित संतों की बात है, अभी हमारे सम्मानित महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा हम सनातन धर्म को एकजुट करना चाहते हैं, जातियों में बटाए हम उसको एकजा करना चाहते हैं। तो मैं उसके लिए कुछ ना करें, उसके लिए सीधा एक काम है, आप जो है किसी जाटा को उठा के वहाँ पे मंदिर बनाइए, मंदिर का पुरोहित बना दीजिए आप, एक साथ आपको जो है हो जाएगी एकता हो जाएगी, सब एकजुट हो जाएंगे। आप किसी जो है ओबीसी को एससी एसटी के लोगों को आप जो है आप रोहित बनाइए। ग्राम साहब ये आपको पता ही नहीं है, देश में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। आप तो महामंडल, आप तो महिलाओं का अधिकार नहीं दे रहे हैं, आप तो कर्नाटक में सबरीमाला महिलाओं का अधिकार को छीन लिया है आपने। आप सबरीमाला सबरीमाला में आप नहीं जाने दे रहे हैं, आप महिलाओं को सबरीमाला में नहीं जाने दे रहे हैं। आप सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप नहीं जाने दे रहे हैं। आप महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं को शोषण कर रहे हैं आप, पता है क्या? आप महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप समान अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप सबरीमाला में क्यों नहीं आप जाने देते हैं? सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि महिलाओं को वहां पे जाके पूजा अर्चना की जाए, वहां पे जाना चाहिए, तो आप क्यों उसको रोकते हैं? आप तो बहुत अधिकारों की महिला अधिकारों की बात करते हैं, आपको भेजना चाहिए। आप बताइए महिलाओं को सबरीमाला भेज रहे हैं? अरे आप रोहित बताइए, आप मंदिरों के आप राष्ट्रपति कोविंद जी को पीड़ित से आपने वापस भेज दिया, आप राष्ट्रपति कोविंद जी को हमारे प्रथम नागरिक को आज प्रथम नागरिक को पीड़ियों से वापस कर दिया मंदिर की, उसका पीड़ियों को धोया आपने, हमारे देश की आपने पूरी दुनिया में मफाल हुआ है, आप तो मफाल हुआ है पूरी दुनिया में, हमारे देश में क्यों नहीं जा रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आपके पास महामंडलेश्वर है नहीं है। मैं एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। एक भी मुस्लिम महिला ना मुफ्ती, ठीक है सर, मुस्लिमों के अधिकार और हिंदुओं के अधिकारों का हनन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये आप तय नहीं करेंगे दोनों बैठ के। मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया, महेश नंद गिरी जी, क्या आप कल धर्म संसद में राम मंदिर के मुद्दे पर क्या पक्ष रखने वाले हैं? अब जनता आपको बाहर क्या संदेश देंगे आप कल? और ये धर्म संसद जो हो रही है, महेश रंगिरी जी, जो हो रही है ये समर्थन जो है, ये धर्म संसद जी जी आप बोलिए, महेश रंगिरी जी आप बोलिए, ये धर्म संसद समर्थन के ट्रांसफॉर्म का एक तरीका है। पंचानंद गिरी जी, हाँ जी पंचानंद गिरी जी कल शामिल होने वाले हैं, क्या मांग रखेंगे वहां पर, कब तक मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं सर? देखिए ऐसा है कि मंदिर का निर्माण संत समाज करेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए उमा भारती जी ने कहा था कि गंगा निर्मल ना हुई तो 2018 में मैं जल समाधि ले लूंगी, तो माँ गंगा वही है। अब राम मंदिर के लिए बार बार ये कहते हैं कि कोर्ट का मामला है, तो गौ माता कोर्ट का मामला नहीं था, ये संसद में बिल रखते जो विरोध करता हमें पता लगता, तो ये बातें हैं और कुछ नहीं है। लेकिन संत समाज इस कुंभ से बड़ा सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। पंचानंद गिरी जी ने एक बात कही है, ये बातें हैं बातों का क्या, अब क्या वाकई ये सिर्फ बातें हैं या फिर बातों के आगे बढ़कर कुछ और कदम भी उठाए जाएंगे।